हेलो स्टूडेंट मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस बुलेट पर आज मैं के साथ एक नए सेशन को लेकर आई हूँ आज हम ईडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एम का ही सेशन है स्पेशली क्योंकि एम का एग्जाम आने वाला है बच्चों की डिमांड बहुत है कि एम के क्वेश्चन करा दीजिए तो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए सेशन है ईडियम एंड फ्रेजेस का चलेगा स्टार्ट करते हैं अगर हम बात करें बच्चों फोर्स्ट ईडियम की देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं वर्ड्स को लर्न करते हैं रूट वर्ड को लर्न करते हैं मीनिंग लिखते हैं बट मेरा ऐसा मानना है कि आप जितना भी आसपास की चीजों के साथ चीजों को कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करो वो सबसे बेस्ट है क्योंकि आप चीजों को ईजिली याद रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम देखिए पॉइंट क्या बी ऑल बी ऑल इयर्स ईयर समझते हो कान ठीक है ऑल यानी कि सबकी इस तरह से इसको समझ लो अगर सबके कान एक ही तरफ हैं तो इट मींस सभी लोग वेट कर रहे हैं कानो का वेट से कोई लेना है नहीं नॉट बीइंग अलर्ट बिल्कुल नहीं कंटेंट नहीं इट इज केस ऑफ एगर टू नो जिज्ञासु जिसको हम बोलते हैं बहुत ही क्यूरियस होकर सुन रहा है जिज्ञासु लोग होते हैं जिनका काम होता है बहुत क्यूरियस होकर करते हैं बोलते हैं ना बहुत जिज्ञासु है ठीक है दैट इज एगर टू नो क्वेश्चन आपके एम का है जो सात दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया है, पर आते हैं। dogs, बहुत आता है में, बारिश जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुत तेज बारिश होना ठीक है तो कैट्स एंड डॉग्स का यहाँ पे बारिश से मतलब है एंड बारिश का मतलब होता है रेनिंग वेरी है तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन होगा सेकेंड Facing light rain and wind no, Pat snow about cats and dogs no, ये क्वेश्चन भी आपके एम का है जो बच्चों सात दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया है सात दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया क्वेश्चन है चलेगा नेक्स्ट आते नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सात दस दो हजार इक्कीस का ही एम का हाउ टाइम फ्लाइज हम बोलते ना टाइम कैसे उड़ रहा है टाइमर तो उड़ना का मतलब भाग रहा है किस तरह से भाग रहा है टाइम अगर भाग रहा है इट मींस आपको पता भी नहीं चल रहा है कि किस तरह से चीजें चल रही हैं यानी कि टाइम सीम्स टू तो मूव क्विकली यानी कि चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं जैसे आपके पैटर्न चेंज हो रहे हैं बहुत तेजी से भाग रहा है एसएससी देख रहे हो ना एसएससी में वो दौर नहीं रहा पहले वाला आपकी जीएसआर ये वन लाइनर है ना इजी आपकी मैथ्स सारी है ट्रिक्स आजकल तो कैलकुलेटिव पेपर आता है बहुत ज्यादा ठीक है सो टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है तो हमें समय के अनुसार चेंज होना बहुत जरूरी होता है ठीक है तो इसका मतलब होता है टाइम सीम्स टू तो मूव क्विकली ठीक है तो इसका आंसर ऑप्शन होगा 4 चलेगा नेक्स्ट आते हैं लूज इन द पर्स स्ट्रिंग्स ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का है जो 8 10 2021 में पूछा गया है इसको याद रखेंगे l o, -O s e लूज मतलब होता है ढीला और अगर आप पर्स को ढीला कर रहे हो तो बोलते हैं पर्स थोड़ा ढीला कराएं पर्स थोड़ा ढीला करें ढीला मतलब कहीं ना कहीं आप उसमें से पैसा निकाल रहे हो तो पैसा निकाल के क्या करोगे खर्चे ही तो करोगे ठीक है तो यहाँ पे पर्स खोना नहीं l o s e मतलब होता है खोना तो यहां खोना नहीं होगा ठीक है यहां पर है कि कहीं ना कहीं आप अपने खर्चे बढ़ा रहे हो अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर यानी कि टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर सो वी कैन ईजिली रिमेनिंग ऑप्शन ऑल्सो क्योंकि पर्स ढीला करने का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपने खर्चे बढ़ा दिए हैं वहां पर आपने अपने पैसे लगा दिए है, हैं ठीक है चलेगा नेक्स्ट आते नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिट एज अल बिल्कुल फिट फिट समझते हो ना फिटनेस से याद रखो फिट को फिटनेस फिटनेस किसकी होती है फिजिकल तरीके से एंड फिजिकल का मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारे हेल्थ से होगा या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से होगा नो रेडी टू स्टार्ट प्लेइंग प्लेंग नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा नो तो इट इज आंसर ऑप्शन विल बी फर्स्ट यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा फिजिकली जब आप बहुत ज्यादा फिट रहते हो दैट इज एम का ये क्वेश्चन है जो दस दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया था ठीक है चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्बो एल्बो ग्रीस ग्रीस समझते हो ना ग्रीस बोलते ना ग्रीस खत्म हो रही है यानी कि ग्रीस खत्म होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप उस तरह से अपनी बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का जो फिजिकल है उस तरह से आप नहीं कर पा है। है तो है रहे हैं शुरू हो जाती है। तो अब ये को उसी से याद रखेंगे कि कही ना कही हमारे क्या हो रही है ग्रीस खत्म तो ग्रीस में हमें क्या लगाना पड़ता है फिजिकल एफोर्ट्स लगाने पड़ते हैं क्या लगाने पड़ते हैं एफोर्ट्स लगाने पड़ते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब होता है अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट

ठीक है और तैयार का मतलब प्रिटेंड होता है दिखावा करना ठीक है प्रिजर्व करके रखना चीजों को रिजर्व करके रखना प्रोटेक्ट वही चीजों को प्रोटेक्शन में रखना सुरक्षित रखना तो इसका मतलब होता है प्रिपेयर क्योंकि रेडी मतलब कि तैयार हो बिल्कुल आप अब एसएससी की तैयारी कर रहे हो डेली बेसिस पे तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली एक दिन आप क्या होंगे बिल्कुल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे पूरी तरह से तो रेडी हो आप एग्जाम देने के लिए तो उसी को बोलते हमारा प्रिपेयर ये क्वेश्चन आपके एस एस का है जो 12 दस 2021 में पूछा गया है 12 दस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द आई ऑफ द स्टॉम स्टॉम समझते हो ना तूफान 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 समझते हो ना तूफान आ गया बोलते ना मैंने ऐसे क्या बात कर कि तूफान ही आ गया अब जब कुछ बात ऐसे करोगे तूफान आएगा तो कहीं ना कहीं आपने ओपोजिशन पार्टी खड़ी कर दी है अपने अपोज एक पार्टी खड़ी कर दी है अब जब दो अपोजिशन में है तो डेफिनेटली दो लोगों के बीच में सहमति नहीं होगी एग्रीमेंट नहीं होगा डिसएग्रीमेंट होगा डिनाइल करेंगे एक दूसरे की बात को तो डिनाइल करेंगे दोनों के बीच में क्या होगा कॉन्ट्रोवर्सी दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों कॉन्ट्रोवर्सी तो वहां पर बनेगी कॉन्ट्रोवर्सियल सिचुएशन क्योंकि दो ऑपोजिशन पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे तो इसको बोलते हैं हमारा बी इन कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन ठीक है तो आंसर ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों थर्ड सो वी कैन ईजिली रिमेनिंग थ्री ऑप्शन ये क्वेश्चन आपके एस एस का है जो बारह दस 2021 में पूछा गया है 12 दस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव योर हर्ट सेट ऑन समथिंग बिल्कुल अपने दिल को किसी एक चीज पे क्या कर दो सेट कर दो यानी कि अपना टारगेट बिल्कुल सेट कर दो बस यही मेरा टारगेट है ठीक है तो आपने कहीं ना कहीं अब यहां पर बात कंट्रोल ऑफ वंस फीलिंग हम कंट्रोल कर रहे हैं किसी की फीलिंग को नहीं नर्वस हो रहे हैं बिल्कुल नहीं नॉट वांट समथिंग एट ऑल नहीं इट इज अ केस टू वांट समथिंग वेरी मच वही चीज है जो आपको बहुत जरूरी है जिसकी आपको बहुत जरूरत है इसलिए आपने अपने दिल को वहां एक चीज पर आकर रोक दिया है क्योंकि उस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ठीक है वो चाहे आपकी सक्सेस हो कुछ भी हो ठीक है ये क्वेश्चन भी आपके एमटीएस का है जो 12 दस 2021 में पूछा गया है चलेगा नेक्स्ट आते हैं अलाइव जीवित एंड किकिंग बोलते हैं ना बस जिंदा हूँ अलाइव हूँ एंड किक जिंदा हो और किक मारी जोर से ठीक है यानी कि आपने जिंदा है यानी कि एक्टिव होंगे भाई जिंदा है तो एक्टिव तो होंगे और किक कब मारेंगे जब हम फिजिकल बिल्कुल फिट हैं ठीक चीजों को उड़ा सकते हैं ठीक तो उड़ा सकते हैं तो यानी कि हम कैसे होंगे हेल्दी हुँगे, हेल्दी होंगे होंगे तो किकिंग को आप याद रखेंगे किससे अलाइव मतलब जिंदा है तो एक्टिव होंगे किक तब मान पाएंगे तभी मार पाएंगे आप बच्चे जब आप फिजिकली क्या होंगे फिट होंगे तो यानी कि कहीं ना कहीं आप कैसे होंगे हेल्दी होंगे ठीक है तो केयरलेस बिहेव चाइल्ड बच्चों की तरह बिहेव करना नहीं होगा गुड इन फुटबॉल नहीं होगा तो इट इज केस ऑफ टू बी एक्टिव एंड दस दो हजार इक्कीस दो हजार इक्कीस का ठीक है एमसीएस का ही क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आ रोटन एप्पल होता है पक जाता है खराब हो जाता है ठीक है यानी कि खराब जो एप्पल होता है तो एक कहा जाता है ना कि एक सड़ा हुआ सेब जो है वो बाकी को भी खराब करता है तो ऐसे ही होता है एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है तो ये कुछ इस तरह से आपने सुना होगा अपने ही मदर ग्रैंड मदर्स के मुंह से सुनी होगी ये सारी चीजें एमटीएस का क्वेश्चन है जो 13 10 2021 में पूछा गया है यानी कि एक एज़ पर्सन जो पूरे ग्रुप को खराब करे तो दैट इज रॉटन एप्पल अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप अ सिंगल बैड पर्सन ठीक है और थिंग इन अ ग्रुप जैसे एप्पल सेब थिंग हो गया कोई पर्सन हो गया तो वो पूरे ग्रुप में अगर एक खराब है तो वो पूरे ग्रुप को ही खराब कर देगा ठीक है तो उसी को बोलते हैं आ रॉटन एप्पल चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं

वाला है उसी को बोलते हैं क्वेश्चन भी एमसीएस का है जो तेरह दस दो हजार इक्कीस में हुआ है जैसे देखते हो ना आपके फ्रेंड्स वगैरह जो आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं उनका यही काम होता है गिविंग अ फॉल्स अलार्म वाला ठीक है तो नहीं चाहते आप सेलेक्ट हो तो ऐसे लोग क्या करते हैं आपको सलाम देते हैं। कर रहा है कुछ होना नहीं है तेरा ठीक है तो ऐसे उसके लिए थोड़ा सा आपको वर्क करना एफर्ट एफर्ट डालो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है चलेगा आज के लिए हमें इतना ही रखें बच्चों बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बस एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे सब्सक्राइब कर लेना एस एस सी बुलेट चैनल को ताकि आप डेली बेसिस पे क्लासेस ले सकें मेरे साथ एस एस सी बुलेट चैनल पे बाकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि भेजो कॉमेंट बॉक्स में लिख दो जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी एक्सपाइजेड और डेली बेसिस पे मेरे साथ क्लासेस लेना ना भूलें ऐसे इसी बुलेट पर ठीक है अपकमिंग एग्जाम्स है बैक टू बैक एग्जाम्स सा है इस साल तो लक्की तैयारी करो सिलेक्शन लो ठीक है पेरेंट्स को भी सेटिस्फाइड करो सिलेक्शन से खुश करो उनको भी ठीक है वो आपकी जिम्मेदारी बनती है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अपने पेरेंट्स को खुश रखना क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत लाइफ में कुछ करा है ठीक है तो अब नाउ इट्स योर टर्न कि आप अब उनके लिए कुछ करें